मैं हूँ रिया एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आज हम बात करेंगे कि अगर जो बच्चे अभी तक पढ़ाई करना नहीं शुरू किए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि अब तक स्टडीज को लेकर सिंसियर नहीं हुआ, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं लेकिन पढ़ाई की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है, और पेरेंट्स साथ में परेशान हो रहे होंगे कि इन्हें कब समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम्स है, दे हैव टू टेक देयर स्टडीज वेरी सीरियसली, दे हैव टू मेक द एफर्ट्स टू गेट गुड मार्क्स। सो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के स्टडीज को लेकर परेशान है क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट की है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, आई लिटरली वांट टू से थैंक्स टू नारायण सर, बिकॉज इन माय वीडियोस ऑल टीचिंग्स आर फ्रॉम नारायण सर एंड आई लिटरली बो माय हैट फॉर हिज टीचिंग्स। इसने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप परेशान हैं कि आपके बच्चे अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हैं बोर्ड एग्जाम्स की, बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप क्या कर सकते हैं सो दैट वो सिंसियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ें आपको मैं एक मंत्र बताती हूँ, वो आपको डेली अपने बच्चे को 100 times वाटर में चैंट करके देना है। वो स्कूल जाते हो तो उनके स्कूल के वाटर बॉटल में चैंट करके दे दीजिए, अदरवाइज आप जब वो घर में हो तो उन्हें सिंपल ग्लास ऑफ वाटर में 100 times चैंट कीजिए और उन्हें बोलिए स्लो स्मॉल सिप्स पीने के लिए, क्योंकि बच्चे टीन एज में हैं, एडमेंट होंगे, हो सकता है आप जो चीज़ें बोले वो करने में इंटरेस्टेड ना हों, तो उस केस में अगर वो पानी पीने में इंटरेस्टेड नहीं हो, पानी नहीं पी रहे हैं, आप जूस में चैंट करके दे सकते हैं, आप उनके फूड में वो वाटर मिक्स कर सकते हैं जो आपने चैंट किया है। अगर वो फिर भी नहीं ले रहे हैं तो यू कैन स्प्रिंकल इट ऑन देयर फोटोग्राफ्स डेली और इट विल हेल्प देम। अगर फिर भी नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी फोटोग्राफ लीजिएगा और उस को फोटोग्राफ को देख के सामने रख के चैंटिंग शुरू कीजिएगा, इंटेंशन सेट करके कि आप उनके लिए कर रहे हैं इन दैट केस। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सा मंत्र है। मंत्र है ललितम मैया चुदम, ललितम मैया आनंदम, ललितम गोविंदम, ललितम मैया चुदम, ललितम मैया आनंदम, ललितम गोविंदम। ये मंत्र आपको चैंट करना है उनके लिए 100 times, चाहे तो वाटर में चैंट करके दीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके मैट्रेस के नीचे लिख के इस मंत्र को रख दीजिए, पिलो के नीचे रख के रख दीजिए, सो दैट दे विल बी द एक्टिव एनर्जी फील उनके उस मैट्रेस, उनके पॉकेट में रख सकते हैं, जब वो डेली स्कूल जाते हैं उनके पॉकेट में इस मंत्र को लिख के रख दीजिए, इट्स वेरी वंडर, इट इज़ वेरी ग्रेट आइडिया। और इनफैक्ट आप कंसेंट्रिक सर्कल का भी यूज़ कर सकते हैं, यू ड्रॉ 1 circle जिसमें अंदर उनका नाम लिखिए, एक और बाहर सर्कल बनाइए जिसमें इस मंत्र को लिख दीजिए, सो यू कैन डू। अगर कंसेंट्रिक सर्कल की मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू पास एनी एग्जाम, वो जाके देख सकते हैं आप, उसमें मैंने कंसेंट्रिक सर्कल कैसे बनाते हैं वो बताया हुआ है, सो यू कैन ऑल चेक इट। अब बात करते हैं बैच फ्लावर रेमेडीज जो आप उनको दे सकते हैं, बिकॉज अगर बच्चे सिंसियर नहीं है और बच्चे की प्रॉब्लम क्रिटिकल है तो आप बैच फ्लावर रेमेडीज आपको रिकमेंड की दीजिए, क्योंकि वो फास्ट हीलिंग का काम करते हैं, फास्ट इफेक्ट्स करते हैं कंपेयर टू चैंटिंग, क्योंकि मैंने अपने बेटे को दी थी जब उसके LKG स्टैंडर्ड स्कूल्स में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो फर्स्ट मेडिसिन जो आपको देनी है बैच फ्लावर रेमेडी, अगर आपको नहीं मिलती है तो आई विल रिकमेंड कि 100 times इसे भी चैंट करके उन्हें वाटर में दे दीजिएगा। सेम वाटर में आप चाहे तो दे सकते हैं जिसमें आपने ललितम मंत्र पढ़ा, उसमें ही आप इसको भी चैंट करके दे सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी चैंट करके दे सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में आपने उनको ललितम मंत्र चैंट करके दे दिया और नाइट में आप ये बैच फ्लावर रेमेडी चैंट करके उनको दे दीजिए, तो एज यू विश एज पर योर कम्फर्ट यू कैन डू इट। वॉलनट है वो मेडिसिन, क्रैब एप्पल, क्लारेंथस, वाइल्ड ओट एंड कोरल, ये 5 combinations हैं बैच फ्लावर्स के जो आपको देने हैं। कोरल इज अ जेम रेमेडी, कोरल इज नॉट अ बैच फ्लावर, ओके, सो यू हैव टू चैंट कोरल 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 लाइक दिस, और यू कैन ब्रिंग देम इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलनट, क्रैब एप्पल, क्लारेंथस, वाइल्ड ओट, कोरल। आपको चैंट करना है वॉलनट, क्रैब एप्पल, क्लारेंथस, वाइल्ड ओट, कोरल, वॉलनट, क्रैब एप्पल, क्लारेंथस, वाइल्ड ओट, कोरल, इस तरह से चैंट कीजिए वाटर में 100 times दे दीजिए। अगर बैच फ्लावर रेमेडीज आपको मिल जा रही हैं तो वॉलनट, क्रैब एप्पल, क्लारेंथस एंड वाइल्ड ओट आप उन्हें दे दीजिए,
कोरल 100 टाइम्स वाटर में चैंट करके उन्हें दे दीजिए, या फिर कोरल की जो है नाम लिख के उनके पॉकेट में रख दीजिए कोरल का। अब ये मेडिसिन करेंगे क्या? वॉलनट, वॉलनट हेल्प करेगा ताकि आपके बच्चे इन्फ्लुएंस ना हो उनके पीयर ग्रुप्स के फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो वाकई अभी तक सिंसियर नहीं होंगे स्टडीज के लिए, वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो आपके बच्चे भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो वॉलनट विल ब्रेक देयर हैबिट टू इन्फ्लुएंस बाय देयर पीयर ग्रुप्स और देयर फ्रेंड्स हु आर नॉट डूइंग द स्टडी। क्रैब एप्पल इज अ क्लींजर ऑफ आइडियाज, क्लींजर ऑफ थॉट्स, जो उनके दिमाग में अभी तक ये थॉट्स चल रहे हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई इज अ वेस्टफुल थिंग या मुझे मजा नहीं आती है, तो उनके दिमाग में जो भी निगेटिव थॉट्स स्टडीज को लेके चल रहे हैं, जो सिंसेरिटी नहीं है, उन सारे थॉट्स को क्लीन कर देगा। जैसे हम अपने घर से घर की गंदगी को निकालते हैं झाड़ू लगा के, सेम क्रैब एप्पल उनके माइंड उनके थॉट्स के में जो डाइवर्सिफिकेशन आ गया है, गंदगी आ गई है थॉट्स को लेके पढ़ाई को छोड़ के, वो सारी चीज़ें निकाल देगा। देन स्क्लेरेंथस, स्क्लेरेंथस उन्हें ये समझाने में हेल्प करेगा कि अगर उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए स्टडी और वो कर क्या रहे हैं, टाइम पास, प्ले, वीडियो गेम्स, मोबाइल, आईपैड, ये सब कर रहे हैं। तो स्क्लेरेंथस उन्हें ये समझाने में हेल्प करेगा कि दे हैव टू डू द स्टडी, दे डोंट हैव टू वेस्ट देयर टाइम। Wild oat इन्हें हेल्प करेगा टू टेक द राइट एक्शंस, टू टेक द राइट डिसीजंस, सो दैट दे शुड नॉट बी डेविएट, कि उधर उधर घूमते रहें, अपना जो फोकस्ड है उसको डिस्ट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं। सो इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड उन्हें क्या करना है, चूज करने में हेल्प करेगा कि वॉट शुड बी द राइट पाथ फॉर देम, क्योंकि उन्हें खेलना सही है, पढ़ाई करना जरूरी है कि खेलना जरूरी है, या घूमना जरूरी है, दोस्तों के साथ मस्तियाँ करना जरूरी है इस टाइम पे कि पढ़ाई करें बोर्ड एग्जाम के लिए। सो इट विल हेल्प देम टू कोरल, कोरल उनके तरीके को सही करेगा, अगर वो अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं घूम रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगा। तो दीज आर ऑल यू नो इमोशंस से हम सब कनेक्टेड होते हैं, हमारे लाइफ में हर चीज़ इमोशनली होती है, कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, कभी हम डल होते हैं, कभी हम जो है किसी के लिए खुश होते हैं तो किसी उसी इंसान के लिए कभी कभी हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस आते हैं। तो सेम चीज़ ये है कि इमोशंस हमें करेक्ट करने होते हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज आपकी हेल्प करेंगी इमोशंस को करेक्ट करने में, सो दैट जो गलत इमोशंस है उसको एक्सचेंज करके वहाँ पे परफेक्ट इमोशंस फिट करेगी। जैसे लव इज द राइट इमोशन फॉर वी शुड कन्वे फॉर एवरी वन, बट हम लव की जगह एंगर, क्रिटिज्म, ये सारे इमोशंस कैरी करते हैं दूसरों के लिए। सेकेंड चीज की प्लीज स्टार्ट चैंटिंग अंबिका मंत्र फॉर योर चाइल्ड, इट इज ऑल्सो वंडरफुल मंत्र। सो ललितम मंत्र के साथ आप अंबिका मंत्र भी चला सकते हैं जब आपके बच्चे पढ़ रहे हों, इट विल हेल्प देम टू कंसंट्रेट मोर एंड गेट गुड मार्क्स, बिकॉज अंबिका मंत्र इज अ मंत्र फॉर विनर, इट विल मेक यू हेल्प यू टू विन। सो डू दिस एंड आई होप आप सभी के बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं, जो बच्चे अब तक सिंसियर नहीं हैं वो सिंसियर होना शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।